नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज। मैं प्रगति राज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोतिहारी से आई है, जहां तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों की मदद से 3 बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया है, वहीं 2 बच्चे की तलाश जारी है। घटना जिले के चकिया बाजार के नजदीक फुलवड़िया गाँव की है, जहाँ ग्रामीण एक मृतक के शव को लेकर तालाब किनारे दाह संस्कार करने गए थे, जिसमे कुछ बच्चे भी शामिल थे। वहीं शव को जलाने के बाद लोग तालाब में स्नान करने लगे, जिसमें बारिश के वजह से तालाब में पानी लबालब था, जिसमें 5 बच्चे डूब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों लोग तालाब के किनारे पहुंचे। फिर डूबे बच्चों की तलाश शुरू हो गई, जिसमें 3 बच्चों का शव तो मिल गया, लेकिन अभी भी 2 बच्चों की तलाश जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी मौके पर पहुंच गई है। वो लास्ट पुकने आया था, ये इसमें नहाने आया था। अच्छा, कितने बच्चे थे? टाइम नहीं था। हमने बच्चा कितने थे? बच्चा 5। किसका किसका? विनोद भगत के, वो रामा भगत के, वो सुनाथ भगत के, एगो रूपा ठाकुर के, एगो शंभू भगत के। उस सबका नाम याद है? बच्चे लोग का सबके हमें याद नहीं। अच्छा, कितना कितना उम्र का रहा होगा बच्चा? वो राम प्रवेश एक 12 साल के है, दू को 12 साल का, उसमें एक और है 10 साल के करीब में होगा, कम वही के, एक मुरली 16-17 का ऐसा ही है। तो उसको आए थे हम लोग जलाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब जला के उसके बाद में लड़का यहाँ पर आ गया नहाने के लिए, दाह संस्कार करना, स्नान ध्यान करते हैं लोग। स्नान करने के लिए आ गया, 5 गो लड़का आया था, 5 गो लड़का उसमें डूब गया। लगभग कितना कितना उम्र का रहा होगा? अब उम्र तो अभी कोई 18 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है, ऐसे ही। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।